किसानों की समस्याओं को लेकर सोनकच्छ विधानसभा में कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन। पूर्व मंत्री व सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा के निर्देश पर पूरी सोनकच्छ विधानसभा में प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, तहसीलों में कांग्रेसियों ने किसानों की गेहूं तुलाई के दौरान आई विभिन्न समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे। वही सोनकच्छ में पीसीसी सदस्य सूर्य सिंह ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह गौतम, राधेश्याम चौधरी ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि टोकुर्द में जिला महामंत्री शुभम व्यास, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल व्यास द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पिपलराव में टप्पा तहसील कार्यालय में विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र नागर, भारत सिसोदिया नौसाद मंसूरी, संजय त्रिवेदी ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि किसानों द्वारा जो गेहूँ समर्थन मूल्य पर बेचा गया, अधिकतर किसानों को उसकी राशि बैंक खाते में नहीं आई। वहीं पिपलराव में 13 किसानों के बिल अभी तक नहीं बने। तहसील के अनेक गाँव में किसानों को अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। इन समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने की मांग राज्यपाल महोदय से की गई। न्यूज़ इंडिया 9 सोनकच्छ से देवेंद्र गहलोत की रिपोर्ट।